वीडियो में हम जानेंगे कि वर्गमूल क्या है और घटाने की संक्रिया विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इन 64 विद्यार्थियों को विद्यालय में परेड के लिए चुना गया है। परेड में इन्हें इस प्रकार पंक्तियों में चलना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हों जितने की पंक्तियों की कुल संख्या है। यानी कि अगर कुल पंक्तियों की संख्या n है तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या n ही होनी चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या 64 दी गई है। अगर विद्यार्थी इस तरह एक आयताकार संरचना में खड़े होते हैं तो कुल पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या समान नहीं आएगी। ऐसा केवल एक वर्गाकार संरचना में ही संभव हो सकता है। तो इस स्थिति में कुल कितनी पंक्तियाँ होनी चाहिए? हम पिछली वीडियो में संख्याओं का वर्ग करना सीख चुके हैं। अगर एक पंक्ति में n विद्यार्थी हैं और ऐसी n पंक्तियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी n गुना n बराबर n की घात 2 यानी n का वर्ग, जिसे हम n स्क्वायर भी कहते हैं। यहाँ हमें n का वर्ग बराबर 64 दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना है, यानी एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग 64 के बराबर हो। ऐसी संख्या जिसका वर्ग 64 के बराबर होगा, 64 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कहलाई जाएगी, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। वर्गमूल स्क्वायर रूट करना वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग होता है। अभी आपने देखा कि 4 का वर्गमूल 2 है। क्या 4 का केवल यही एक वर्गमूल संभव है? ऋण 2 का वर्ग भी 4 होता है, इसलिए ऋण 2 भी 4 का एक वर्गमूल है। हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक पॉजिटिव और एक ऋणात्मक नेगेटिव। धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल इस प्रकार दिखाए जाते हैं। अब हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। हमें यहाँ वह संख्या n ज्ञात करनी है जिसका वर्ग यानी n का वर्ग 64 के बराबर हो। यानी हमें 64 का वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता है। हम वर्गमूल कई विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम घटाने की संक्रिया विधि मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का उपयोग करेंगे। मान लीजिए हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है n का वर्ग। हम जानते हैं कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि जब हम इन्हें इस वर्ग संख्या से घटाएंगे तो हमें शून्य मिलेगा। इसलिए हम दी गई संख्या में से एक से शुरू कर क्रमानुसार सभी विषम संख्याओं को घटाते हैं और देखते हैं कि कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने के बाद शून्य प्राप्त होता है। जितनी क्रमागत संख्याओं के बाद शून्य प्राप्त होता है, वह संख्या ही दी गई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे संख्या 64 के वर्गमूल को इस तरीके से निकाल कर देखते हैं, 64 घटाव 1 बराबर 63, फिर 63 घटाव 3 बराबर 60, इसी प्रकार अंत में 15 घटाव 15 बराबर 0 आएगा। हमने देखा कि प्रथम 8 क्रमागत विषम संख्याओं को 64 से घटाने पर अंत में 0 प्राप्त हो रहा है। इससे पता चलता है कि संख्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और क्योंकि यहाँ 8 क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए संख्या 64 का वर्गमूल 8 है। अतः परेड में विद्यार्थियों की 8 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी होंगे। संख्या 64 के वर्गमूल धन 8 और ऋण 8 दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हम विद्यार्थियों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में सिर्फ धनात्मक वर्गमूल को ही लिया जाएगा। अब अगर दूसरे दिन परेड के लिए कुछ और विद्यार्थी आ जाते हैं, जिससे अब कुल विद्यार्थियों की संख्या 144 हो जाती है,
जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस स्थिति में विद्यार्थियों की कितनी पंक्तियां बनेंगी? ताकि पंक्तियों की कुल संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो? इसका जवाब ढूंढने के लिए घटाने की संक्रिया की विधि का उपयोग कीजिए। सबसे पहले संख्या 144 में से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाइए। जिस क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर शून्य प्राप्त होगा, उस संख्या तक के सारे विषम संख्याओं को गिनिए। यहाँ 12 क्रमागत संख्याओं को घटाने पर हमें शून्य मिल रहा है, तो संख्या 12 ही संख्या 144 का वर्गमूल है। अतः अब विद्यार्थियों की 12 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 12 विद्यार्थी होंगे। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल तथा घटाने की संक्रिया की विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।